हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट ईदगाह। पिछले वीडियो में मैंने आपको ईदगाह पार्ट की पूरी कहानी जो बुक के कलम में आपको समझाई थी, आशा करती हूँ कि आप सभी इस कहानी को समझ गए होंगे। और आज मैं आपको इसी ईदगाह पार्ट की पदे पुत्र का प्रश्न उत्तर आपको कराऊंगी। पाठ दूसरा ईदगाह, इसमें प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए खाने में लिखिए। पहला, खाली जगह अमीना का पोता था। बी, हामिद, तो खाने में हम बी लिखेंगे। दूसरा, अमीना अपने को क्या समझती है? चार ऑप्शन में से जवाब आएगा बी, भाग्यहीन, तो हम खाने में बी लिखेंगे। तीसरा, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? बी, दुआएं, तो हम जवाब में बी लिखेंगे। चौथा, हामिद को किसने साथी बनाया? तो सी, महमूद ने, तो हम खाने में सी लिखेंगे। पांचवा, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? सी, ईदगाह कहते हैं, तो हम खाने में इसका उत्तर सी लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को खाली जगह में आपको भरना है। एक है, पहला, खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो हम लिखेंगे रमजान के पूरे 30, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ही ईद आती है। दूसरा, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है, तो ईद लिखेंगे। तीसरा, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है, तो हम कुबेर लिखेंगे। चौथा, हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया, हेजा एक बीमारी का नाम है, उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हेजे से हुई थी, तो हम लिखेंगे हेजन। पांचवा है, हामिद अमीना को खाली जगह कहता है, हामिद अमीना को प्यार से अम्मा कहता है, तो हम अम्मा लिखेंगे। छठा, हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो दादी के पास चिमटा नहीं है, तो खाली जगह में चिमटा लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हम इसका उत्तर ब लिखेंगे। दूसरा, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे, तो हम उत्तर में अ लिखेंगे। प्रश्न 3, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था, तो हम इसका उत्तर क लिखेंगे। चौथा, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग और सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे, तो हम इसका उत्तर अ लिखेंगे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उत्तर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को, अर्थात उपवास को हम रोजा कहते हैं, और रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। प्रश्न 3, महमूद और मोहसिन ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक बिश्ती खरीदा। चौथा, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरा का काम कर सकता था। पांचवा, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? उत्तर, हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपनी 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, और इस प्रकार पैसों की कमी के कारण वह हामिद चरखी पर नहीं बैठा। दूसरा,
हामिद ज्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं मानता? क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुसियां निकलती है और जवान चटोरी हो जाती है, फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है, इसीलिए हामिद ज्यादा मिठाई खाना उचित नहीं मानता। तीसरा, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानते हैं? हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। प्रश्न चार, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का एक चिमटा खरीद लाया था, इसीलिए अमीना अपनी छाती पीट लेती है। छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें बड़े प्रश्न है, आपको तीन चार वाक्यों में इसका उत्तर देना है। पहला, बुढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? बुढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे, न ढंग के कपड़े थे। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। अमीना के पास उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इस बद हाली के कारण बूढ़ी अमीना ईद को कोस रही थी। प्रश्न दो, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? हामिद के माँ बाप मर चुके थे, उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे और इन्हीं कारणों से हामिद एवं मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए चिंतित थी। प्रश्न 3, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी, एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयां थी। प्रश्न नंबर 4, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल आए, उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के कई कारण बताए। प्रश्न नंबर 5, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। छठा प्रश्न, बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर बुढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। सातवां प्रश्न, आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए, यानी आपने रुमाल खरीदा है तो उनका क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं रुमाल का? उत्तर, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं, बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर भीगने से बचा सकता है। थैली न हो वह शाक सब्जी आदि बांधने में भी रुमाल काम आता है। आठवां प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं और कहानी की मुख्य प्रवृत्तियां का केंद्र ही ईदगाह था, इसीलिए ईदगाह रखा गया। इसके अलावा मैं कहानी को एक शीर्षक हामिद ईदगाह के मेले में और दूसरा हामिद और उसका चिमटा शीर्षक देना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है दिल कचोटना,
यानी इसका अर्थ है दिल में दुख होना। वाक्य बनेंगे, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। दूसरा, बेड़ा पार लगाना, यानी उसका अर्थ होता है संकट से बचाना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा, आंख उठाकर न देखना, यानी बिल्कुल न देखना। वाक्य, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। चौथा, बाल बाका न होना, यानी जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। पांचवा, रंग जमाना, यानी प्रभावित करना। वाक्य, देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपनी कविता से सबको प्रभावित कर दिया। छठा, माटी का चोला माटी में मिलना, यानी मर जाना। वाक्य, एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी से मिल जाता है। सातवा, छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। आठवा, दिल चीरना, यानी बहुत दुख पहुंचना। वाक्य, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। आठवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, ठंडा तो शीतल। दूसरा, खुश तो प्रसन्न। दीन तो गरीब। प्राचीन तो पुरानी। प्रेम इसका समानार्थी स्नेह। अंधेरा तो अंधकार। नौवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए जिसमें नौ विरुद्धार्थी हैं। पहला है नई तो पुरानी, घृणा तो प्रेम, प्रकाश अंधकार, उष्ण शीतल, खीन यानी प्रसन्न, अमीर का गरीब, आश्रित का विरुद्धार्थी अनाश्रित, अवनति तो उन्नति, भीतर का विरुद्धार्थी बाहर। अब है प्रश्न नंबर 10। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे और वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है, इसे भवानी मेला कहते हैं। मैं भी अपने मित्रों के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की दुकानें थी। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था, मैंने एक पेन खरीदा। दादी जी के कानों में ठंडी के दिनों में हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। शाम को घर लौटे, दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरी पेन देखकर पिताजी बोले, काम की चीजें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है। यानी हम मेले में तो जाते हैं पर मेले में क्या वस्तु खरीदना और क्या वस्तु न खरीदना और किस वस्तु की उपयोगी हो वही वस्तु खरीदना, यह हमें इस पाठ के द्वारा भी हामिद से मिलता है कि हामिद तो एक छोटा बच्चा है परंतु वह अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा लाता है, यानी घर में उपयोगी वस्तु खरीदता है। और इस कहानी में भी हमें एक उपयोगी वस्तु खरीदना है, ऐसे मेले जाकर हमें यह कहानी लिखनी है। तो यहाँ पर आपका पाठ दूसरा ईदगाह के स्वाध्याय पोथी के सभी प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं।